हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे मखनी दाल, रेस्टोरेंट स्टाइल मखनी दाल। इस स्टाइल से अगर आप दाल घर पर बनाएंगे तो रेस्टोरेंट जाना तो भूल ही जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 साबुत उड़द दाल, मखनी दाल, राजमा, 2 प्याज बारीक कटी हुई, 4 से 5 टमाटर बारीक पिसे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बटर, देसी घी, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच मखनी दाल मसाला या किचन किंग मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1-2 पिंच हींग जीरा। सबसे पहले दाल को और राजमा को भिगोकर रख दें, 6 से 7 घंटे के लिए भिगोएं। ये मैंने 1/4 कटोरी दाल और बाकी के राजमा लिए हैं। राजमा की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। दाल को कुकर में डालें, 7 से 8 कटोरी पानी डालें। जिस कटोरी से आपने दाल ली है उसी कटोरी से पानी लें, स्वादानुसार नमक डालें और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर दें और 1-2 सीटी लगाने के बाद इसे 30 से 40 मिनट तक सिम पर रखें। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। कढ़ाई में देसी घी डालें, तड़का देसी घी में ही लगाएं। देसी घी में मखनी दाल को तड़का लगाने से दाल टेस्टी बनती है। 1-2 पिंच हींग डालें, जीरा डालें। जब जीरा हमारा तड़कने लगे तब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालें और प्याज को गोल्डन होने तक भूनें। बीच बीच में इसे चलाते रहें। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। प्याज का कलर चेंज होने लगा है, ये हल्के से गोल्डन हो गए हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। अच्छे से मिक्स करें। लहसुन डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाएं, क्योंकि लहसुन हमारा चिपकने लगता है। जब प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएं तब इसमें टमाटर का पेस्ट डालें। ये मैंने 4 से 5 टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करें। मसाले को अच्छे से भूनें। जितना मसाला हमारा अच्छा भुना होगा उतनी ही हमारी दाल टेस्टी बनेगी। 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें स्वादानुसार नमक डालें। नमक ध्यान से डालें, हमने दाल में नमक डाला हुआ है। धनिया पाउडर डालें। लाल मिर्च पाउडर डालें। आप लाल देगी मिर्च का यूज भी कर सकते हैं। जीरा पाउडर डालें। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक घी मसाले से अलग ना हो जाए। मखनी दाल का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसमें किचन किंग मसाला या मखनी दाल मसाला जरूर डालें। ये दोनों मसाले मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मिक्स करें। मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनें। ये देखिए घी मसाले से अलग होने लगा है। अब
अब हम इसमें बॉईल की हुई दाल डालेंगे। बॉईल की हुई दाल डाल दें। अब आप गैस की फ्लेम को हाई कर लें और दाल को बॉईल होने दें। दाल हमारी अभी पतली है, अभी हम बटर डालकर इसे 10 से 15 मिनट पकाएंगे, जिससे हमारी दाल रेस्टोरेंट स्टाइल थिक हो जाएगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और बीच बीच में इसे चलाते रहें। अब इसमें मक्खन डालें। मक्खन की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप रेस्टोरेंट स्टाइल मखनी दाल का टेस्ट चाहते हैं तो मक्खन थोड़ा ज़्यादा डालें। गरम मसाला डालें और गैस की फ्लेम को लो कर दें और 10 से 15 मिनट इसे ऐसे मक्खन में ही पकने दें। 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे दाल हमारी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए दाल हमारी गाढ़ी होने लगी है। लो फ्लेम पर इसे पकाते रहें और बीच बीच में चलाते रहें। दाल हमारी रेडी है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें। अब हम मखनी दाल को बाउल में डालकर सर्व करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल मखनी दाल आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। आप हमारी ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं।